हेलो माय गोयनका स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। दिस इज़ कविता, योर हिंदी टीचर। आज हमारे इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 6, मैं टीवी हूँ से, श्रुतलेख और शब्दार्थ। प्रीवियस वीडियो में हम रीडिंग और बुक वर्क कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करेंगे श्रुतलेख और शब्दार्थ। तो फर्स्टली आपने अपनी नोटबुक में विषय सूची बनानी है, उसके बाद आपने चैप्टर स्टार्ट करना है और आप डेट मेंशन करेंगे सबसे पहले और पृष्ठ संख्या लिखेंगे। उसके बाद आपने पाठ नंबर, उसके बाद पाठ का नाम मैं टीवी हूँ, क पाठ श्रुतलेख। देन आप कोई भी 10 श्रुतलेख जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो लिखेंगे। वैसे कुछ इस पेज पर भी लिखे हुए हैं शब्दार्थ के नीचे, ये टोटल 9 है। यदि आपको ये डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, बट आपको लगता है कि ये हम कर सकते हैं, हमें और कुछ ऐसा मुश्किल लग रहा है, तो आप वो डिफ़िकल्ट शब्द लिखिए श्रुतलेख के माध्यम से। क्लियर टू ऑल? उसके बाद हम करेंगे शब्दार्थ। तो फर्स्ट है हमारा बेमन, बिना मन के। कोई भी काम बिना मन के करना, बिना दिल के करना, जब मूड ना हो तो क्या बोलते हैं? बेमन। अचंभित, चकित होना, हैरान हो जाना, सरप्राइज हो जाना। अनोखा, विचित्र, ज़्यादा, अधिक। मनोरंजक, मन को प्रसन्न करने वाला। मनोरंजक, जो मन को खुशी दे, मन को प्रसन्न करने वाला। बेहद, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कार्यक्रम, टीवी पर आने वाले प्रोग्राम। टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग आते हैं, तो टीवी पर आने वाले प्रोग्राम। संसार, दुनिया। माध्यम से, के द्वारा। माध्यम से, के द्वारा, दृश्यों के माध्यम से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, और जो भी हम वीडियोस के थ्रू देखते हैं, वीडियोस के द्वारा सीखते हैं, वो हमें जल्दी से समझ आ जाता है। तो क्या वर्ड होता है ये? माध्यम से, के द्वारा। लोकप्रिय, लोगों को पसंद, बहुत फेमस होना। सुलभ, आसानी से प्राप्त, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाना, आसानी से प्राप्त। विज्ञापन, किसी वस्तु की विशेषता बताना, लोगों को जानकारी देना। तो ये टीवी पे आती हैं, ऐड आती हैं, एडवर्टाइजमेंट जिसको आप बोलते हो, तो क्या होता है हिंदी में वर्ड? विज्ञापन। उत्पाद, वस्तुएँ, ज्योति, रोशनी। ज्योति का क्या अर्थ होता है? रोशनी। तो ये हमारे टोटल 14 शब्दार्थ हैं, इनको भी आपने अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन आंसर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, आपकी शब्दार्थ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है, राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्लियर? क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने क्या करना है, पाठ का नंबर जरूर लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, उसके बाद क पाठ श्रुतलेख, कोई भी 10 लिखिए या 12 लिखिए। देन ख पाठ शब्दार्थ, और यहाँ पे ये शब्दार्थ दे रखे हैं हमें, और आपने इसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और काम मुझे सेंड करना है। क्लियर टू ऑल? थैंक यू।